इस्लामिक माह सफर मुजफ्फर की 28 को रसूल अकरम के नवासे हजरत इमाम हसन की शहादत के मौके पर दरियाबाद, रानी मंडी, बख्शी बाजार, रोशन बाग, करैली आदि मुस्लिम इलाकों के लोग गमस्ता रहकर मजलिस मातम करते हुए इमाम हसन की शहादत को याद किया। मंसूर पार्क स्थित इमाम बाड़ा मुस्तफ़ा हुसैन में शहादत इमाम हसन की मजलिस को जाकिर अहले बैत रज़ा अब्बास ज़ैदी ने खिताब किया। मौलाना ने शहादत का तज़किरा करते हुए बताया कि इमाम हसन को जादाह नामक महिला ने अंगूर में जहर देकर शहीद कर दिया। जालिमों द्वारा उनके जनाजे पर तीरों की बारिश की गई। मजलिस के बाद हरी चादर से ढके ताबूत इमाम हसन को गुलाब के फूलों से सजा कर निकाला गया। क्या प्रोग्राम हुआ, किसकी शहादत थी आज? आलम इस्लाम के एतबार से सबसे गमनाक तरीन दिन का नाम है आज। एक तरफ सरकार दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा की वफात की तारीख है और दूसरी तरफ हमारे दूसरे इमाम इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की शहादत की तारीख है। इस मुनासिबत से सारी दुनिया में अहले बैत के चाहने वाले और मुसलमान जहाँ के भी हैं वो इन दो मासूमों की शहादत के मौके पर गम मनाते हैं, सोगवारी करते हैं, आज़ादारी करते हैं और तमाम मुसलमानों को चाहिए कि इस मौके पर सरकार दो आलम के इस दुनिया से जाने के मौके पर सोगवार रहें, गमनाक रहें और गमजंदा रहें। आपका नाम? ये जवाब है।